अरे भैया हाँ, वहाँ नीचे भी गंदा है, वहाँ कौन धोएगा? आए आए अगर हमारी बिटिया ना मिली ना संधि जी, तो सुना है यही बगल में कब्रिस्तान है, वहीं जाकर के खुद ही दफन हो जाएंगे। हाँ, और मिट्टी कम पड़े तो हम डाल देंगे। ससुरा, हम कोशिश कर तो रहे हैं, हम नहीं छूट रही तो क्या करें, कूद पड़े कुएं में। और ये रोना धोना हमका पसंद नहीं है, वहां जाके बैठो वहां। ये कैसे काट रहे हो? जरा तरीके से काटो, मक्खन की तरह काटो जरा। आओ तुम ही काटो। नौटंकी नहीं है, माँ की ममता है, जो संभाले नहीं समझ रही। भगवान कर्म करेगा तुझ पे रे। आए मैं बाहर ही जाऊं तेरे मेरी जान। आए मेरे शाहरुख खान, आए मेरे चिकन। अरे ए रुक, ए ए हटो हटो, पूरी बात बताओ, पंगा क्या है? आपने भारतीय संस्कृति के बारे में सुना है? सुना है ना? हाँ, तो देखिए, लड़का लड़की के विवाह के बाद लड़का लड़की को एक महीने के अंदर सत्यनारायण की कथा सुननी पड़ती है। ये सत्यनारायण कौन है? मेरे मामा। अरे बाबूजी छोड़िए प्लीज, इन्हें कुछ नहीं मालूम, जाने दीजिए। ऐसी बहुत कथाएं सुनिए, करना क्या है बोलो? कुछ नहीं करना भैया, बस दोनों को बैठा के कथा सुननी। हाँ। नहीं तो शादी के मायने ही बिगड़ जाएंगे भैया, शादी शादी ही नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से कोई किधर नहीं जाएगा। नहीं नहीं, अरे अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं सुनेंगे। हाँ? आप भी सुन लीजिए ना। और भैया दरवाजा हो जा, बंद कर लो जरा। अरे ताई, खोटे सब को पता चल जाएगा तो मेरी वाट लग जाएगी। नहीं नहीं, अरे अरे, आप खोटे जी के लिए काम करते हैं सरकार के लिए? नहीं नहीं, लेकिन उनको पूछना तो पड़ेगा ना। अरे तो एक महीने बाद पूछोगे? नहीं, अरे फोन करके पूछो ना। पूछते लीजिए, मेरे फोन से कर लीजिए। आपका फोन नहीं उठाएंगे। हाँ? मेरा फोन उठाएंगे। नहीं उठा रहे। वो चोंगे से करो ना। चोंगा? वो उधर लैंड फोन। चोंगा बोलते इसको। हाँ। लगा ना? लगा लगा। अरे भैया तुम लोगन के फोन के चक्कर में टाइम निकला जा रहा है। हवलदार जी जरा खोल दो दरवाजा। हाँ, वो दरवाजा खोलो, ये दरवाजा बंद। गंगा दरवाजे से चिपक के खड़ा रहे बस। क्या बदतमीजी है? सॉरी सॉरी। क्या है तेरी वाली है? चलो चलो, पहले की शुरू करिए, शुरू करिए। मिटवा, इधर बैठो, यहाँ बैठो। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा, आप लगे रहो भैया। जरा जल्दी करो पंडित जी, हम कुछ शुरू करो। पुष्पम 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 पुष्पम। नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं। सत्यनारायण जी आ गए। सत्यनारायण जी आ गए, आप बैठिए, आशीर्वाद लीजिए। देखिए जो भी हो रहा है आपकी निगरानी में हो रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। वो दरवाजा भी बंद।
देखा आगे। जमाया कुत्रा साला। क्या देख रहे ला? सेम सिस्टम है नल बाजार। ओम गणानंतः गणपतिः वामहे निधिनांतः निधिपतिः वामहे। आजा इसका चाबी बनाने का। आजा। हाँ सर। आप गाड़ी छोड़कर कहाँ चले गए सर? कोई हराम कोर साला चाब। सब अच्छे से निपट गए। ले आ गए। नमस्कार। ये क्या हो रहा है काले? सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ, आपको विलंब हुआ। सर छोटी सी पूजा रखी थी, आपको 6 बार फोन किया, आपने फोन ही नहीं उठाया। अरे मैं दौड़ भाग में बिजी था, लेकिन ये हो क्या रहा है यहाँ पे? शादी हुई है। फिक्र मत कीजिए, सब कुछ मेरी मौजूदगी में हुआ है। ये शादी कानूनन हुई है। हाँ सर। काले ये शादी चमाइला पुलिस स्टेशन में शादी? बस साहब देखिए पंडित जी, वकील साहब दिखाइए। ये हमारा रजिस्ट्रेशन। ये रहे डॉक्यूमेंट्स और ये फोटोग्राफिक एविडेंस। ये सब सबूत हैं। हो गई तसल्ली? असबूत के चक्कर में बेशर्मी से सर खुला के ब्याह हुआ है। अरे काले क्या किया है? कुछ नहीं सर, सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ, किसी को बाहर जाने नहीं दिया। आप कहो तो अंदर डाल दूं? क्या क्या रे, निपट गया सब शांति से? अरे खुद से ये तेरा बड़ा है। अरे तू कैसे जानता है इसको? अरे साहब आप उनका छोटा भाई है, इसके लिए तब हम दौड़ खेला है, तब हम दौड़ खेला है। तो बुरखे में तू था साला, इतना प्लानिंग करके मेरे को। एक काले डाल दे सबको। एक मिनट सर, किस जुर्म में? अपनी पत्नी अपनी पत्नी साबित करने के जुर्म में? खून चोरी डकैती क्या किया है हमने? किस जुर्म में? आपने कहा था सबूत लाओ, तो आप क्या फिर सबूत लाने के जुर्म में? ये क्या तरीका है रे सबूत लाने का? तो सर आप बिना किसी से कुछ पूछे समझे जाने जेल में डाल दे, वही तरीका है? सर हम लोग बहुत छोटे शहर से आते हैं, आपके शहर के तरीके नहीं समझते। हम अपनी जिंदगी इमोशन से जीते हैं, लॉजिक से नहीं। लेकिन सर आपने ये हमें जरूर सिखा दिया कि शादी ब्याह पेपर पर होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया खोटे जी। लेकिन सर उससे ज्यादा हम अम्मा बाबूजी मदन भैया सब लोगों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी मुसीबत में हमारी मदद की है। सर ये सारे रिश्ते पेपर पे होना हो हमारे दिलों में पलते हैं। लेकिन खोटे जी हम आपसे एकदम नाराज नहीं है, आपने एकदम ठीक किया, आपने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन खोटे जी आपने ड्यूटी निभाई और हमने अपने रिश्ते निभाए। इतना इमोशनल बात करेगा ना तो मैं कभी भी किसी भी क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाएगा। चारे है। एक बात बता, ये सबूत जुटाने का ये तिकड़म तेरे को कहाँ से सूझा रहे? ये देखिए लोग अगर पानी के अंदर शादी कर सकते हैं, हवा में शादी कर सकते हैं, तो पुलिस स्टेशन में काहे नहीं? अब जाएं? अरे जाओ नहीं तो नया केस बना के ठोक दूंगा। जाओ जा रहा है। अरे काहे रोक रहे हैं? ये हमारा बहुत बढ़िया बबू है, बहुत काम का है, बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू, टेक केयर। अरे तुम कौन सी मिट्टी का वनेला भाई, कैसा आदमी तुम? एक बात बताओ बैंडस्टैंड हम केवल हम और आप जा सकते हैं? अरे तो फिर चलो ना, चलो। अब सर आपने उनको आसानी से जाने दिया? अरे छूटना तो वैसे भी था, साले इतने गांव वाले इतना सबूत कोर्ट में क्या घंटा बजाते हम। लेकिन एक बात का उनको पता चल गया, अब उनके गांव में कोई बिना पेपर के शादी नहीं करेगा। लेकिन सर ड्यूटी पे किसी बुरखे वाले के पीछे भागना, आप तो ऐसे थे नहीं?
वो बुरखे वाले ने तेरी बेवकूफी साबित कर दी कि तू जिंदगी भर है ना सब इंस्पेक्टर ही रहेगा, समझा? चल कोना पकड़, कोना पकड़। ओके सर। मिथिलेश जी, इतनी छोटी सी दूरी तय करने का रास्ता कितना लंबा था? अनभला तो सब भला। अम्मा बाबूजी पहुंच गए होंगे? पहुंच ही जाएंगे, इतना खर्चा करके एसी थिएटर में जो भेजा है, लेकिन आराम से तो जाएंगे इतनी भाग दौड़ के बाद। आपसे एक बात पूछे? पूछो। आप महीने में कितना कमा लेते होंगे जी? टीडीएस काट के 12,500। हम जब वहाँ थे ना, वहाँ जो लड़कियाँ थी वो सिर्फ नाच के एक दिन में 10 से 15,000 रुपए कमा लेती थी। गाँव में सब कहते हैं कि हम भी बड़ा अच्छा नाचते हैं, और बुलबुल बार तो बिल्कुल नीचे ही है। आप कहे तो एकदम चुप, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। खोटे को हम कभी भूल पाएंगे? भगवान बचाए हमें ऐसे लोगों से। अब कौन आ गया? मदन भैया तो घर देखने गए थे अपने लिए, इतनी जल्दी आ गए? देखिए, हम देखते हैं। आप का देवकी नंदन त्रिपाठी? अच्छा, सुहाग दिन मना रहा है। अच्छा, चल ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। घर के पेपर दिखा। सर, पेपर्स? तू रह रहा है ना यहाँ पे? हाँ। तो कोई पेपर होगा ना तेरे बारे, लिव इन लाइसेंस, ओनरशिप, जो भी कोई। मेरे को खबर मिला है ये घर कब्जे का है, समझा? तो पेपर दिखा, सबूत ला। मिथिलेश जी, रास्ता फिर बहुत लंबा हो गया है।